जैसे नमाज का टाइम फिक्स होता है कितने बजे से जब नमाज है उतने टाइम नमाज होती है, उसके बाद बाकी टाइम में पूजा होती है। जैसे कोई टाइम मंगल के दिन हुआ, कोई लड़के प्रोग्राम करते हैं मंदिर में, जब नमाज हम शुरू करते हैं तो ढोल बजाना बंद कर दें, साउंड बंद हो जाता है और थोड़ी देर के लिए हम नमाज पढ़ के चले जाए फिर अपना बजा लेते हैं। आपस हमारा सब एकदम बना हुआ है, कोई भी चीज़ हम लोग इधर अपना पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो लोग अपना नमाज अदा करते हैं। तो किस तरीके का संबंध स्थापित है दोनों में, किस तरीके से आपसी कोई किसी प्रकार का भेदभाव या लड़ाई झगड़ा? कोई भेदभाव नहीं है हम लोगों में, सब आपसी प्रेम है। ये वैसा कि मंदिर नहीं जा सकता, हमारे यहाँ मंदिर में जो लड़का आता है सफाई करता है, वो हरिजन है। अच्छा, अब आप समझ लीजिए शादी ब्याह में इतना हिंदू परिवार है, मुसलमान आबादी कम या कोई बात हुआ सब लोग इकट्ठा रहते हैं, गाँव कोई जितना सामान इनके